नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार दौरे पर पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम ने जताया संतोष का कोरोना काल में स्थानीय प्रशासन की तैयारी बेहतर। दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम ने दिए निर्देश, चुनावी बैठक में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होने की कही बात। निर्वाचन कार्य में महिलाओं को शामिल करने पर बनी सहमति, उपचुनाव आयुक्त ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। मंगलवार को भागलपुर बोधगया में डीएम और एसएसपी के साथ उपनिर्वाचन आयुक्त ने की बैठक, शाम में पटना उच्च न्यायालय सभागार में कई विभागों के सचिव के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पार्टी के सभी सांसदों के साथ आज चिराग पासवान करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। चुनाव आयोग ने 12 राजनीतिक पार्टियों को आवंटित किया चुनाव चिन्ह, जीतन राम मांझी को कढ़ाई तो वहीं जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव को मिली कैंची। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने चुनावी तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि मतदाता सूची में जोड़े प्रवासी मजदूरों का नाम। बिहार में बेरोजगारी और रोजगार पर तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे कई सवाल। बिहार के सीमावर्ती जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके का केंद्र बना नेपाल की राजधानी काठमांडू। भागलपुर विक्रमशिला पुल के समानांतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज, भुगतान के लिए 255 किसानों को भेजा गया नोटिस। मंगलवार को राज्य के 6 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 4 लाख देने का किया ऐलान। लालू के लाल तेज प्रताप की बढ़ सकती है मुश्किलें, लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर रांची पुलिस भेजेगी नोटिस। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच शिविर का हुआ शुभारंभ, डीएम प्रणव कुमार ने फीता काट कर किया उद्घाटन, जांच में पहला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। रेडक्रॉस सोसाइटी सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का किया गया वितरण, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को करेंगे शिलान्यास, वर्चुअल मोड में किया जाएगा शिलान्यास। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहपुर के झंडापुर चौक पर NH 31 का करेंगे शुभारंभ, तैयारी में जुटा पथ निर्माण विभाग। दो दिन से हो रही हल्की बारिश से बिगड़ी भागलपुर स्मार्ट सिटी की सूरत, जल निकासी की खुली पोल। कोरोना के बाद अब शहर में डेंगू ने दी दस्तक, मायागंज अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती। जींस टॉप पहनने पर पति ने पत्नी को लगाई फटकार, तो पत्नी ने फंदे से झूल कर दी जान, कहलगांव शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के रामजानीपुर का है मामला। 6 माह पहले ही अंजलि की परशुरामपुर के रामानंद यादव से हुई थी शादी, जींस पैंट पहनकर घर से बाहर निकलने पर पति ने लगाई थी फटकार। भागलपुर स्मार्ट सिटी में दिन भर जाम से जूझते रहे लोग, ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर नहीं हो रहा है कोई ठोस पहल। भागलपुर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने उपनगर आयुक्त समेत 11 कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव, उपनगर आयुक्त को मिली अतिरिक्त और नई जिम्मेदारी। मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की लोगों को मिलेगी जानकारी। बेवजह बाजार में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, 100 से अधिक लोगों का कटा चालान। नवगछिया रंगरा में मंगलवार की देर रात अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरे का चल रहा इलाज। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।